वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतापरकमल श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सकलारकुणाताम्बितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेताय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशधारिणे पंचाकल्पतरु विष्ट कृपा सिंधु देव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। टेक्स्ट 47। अहस्तानि सहस्तानम् अपदानि चतुष्पदम् फल्गुनि तत्र महताम् जीवो जीवस्य जीवनम्। ट्रांसलेशन। दोज हु आर डिवाइड ऑफ हैंड्स आर प्रे फॉर दोज हु हैव हैंड्स। दोज हु आर डिवाइड ऑफ लेग्स I pray for the four-legged. The weak are the subsistence of the strong, and the general rule holds that one living being is food for another. तो यहाँ पे नारद मुनि बोल रहे हैं कि जिनके कोई हाथ नहीं है, जिन पशु के कोई हाथ नहीं होते हैं, जिन पशुओं का हाथ होता है ऐसे पशु जिन पशु के हाथ नहीं होते उनको खाते हैं, उन पे जीवित रहते हैं। And those devoid of legs, I pray for the four-legged. और जिनके पास पैर नहीं है, तो जिन पशुओं के पास चार पैर होता है, ऐसे पशु जिनके पास पैर नहीं उनको उन पर जीवित रहते हैं। The weak are the subsistence of the strong. जो शक्तिशाली है तो जो कमज़ोर है उसको कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। And the general rule holds that one living being is food for another. तो ये भौतिक दुनिया में जीवो जीवस्य जीवनम का मतलब है जिंदा रहने के लिए किसी को दूसरे जीव पे निर्भर होने की ज़रूरत है, या बहुत सारे जीवों को दूसरे जीवों को खाने की ज़रूरत है। प्रभुपाद पर्पट में लिखता है, अ सिस्टमैटिक लॉ ऑफ सब्सिस्टेंस इन द स्ट्रगल ऑफ फॉर एग्जिस्टेंस इज देयर बाय द सुप्रीम विल and there is no escape for anyone by any amount of planning. तो ये भौतिक दुनिया संघर्ष का दुनिया है। जैसे भगवान गीता में बोलते हैं, ममई वांशो जीव लोके जीवभूत सनातन मनस्तस्त इंद्रियानि प्रकृति सानि करिष्यति। हालांकि हम सब भगवान के अंश हैं, ममई वांशो जीव लोके, पर क्योंकि हम भौतिक दुनिया में फंस गए हैं तो मन शस्त्रानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानि करिष्यति। मन और इंद्रियों के वजह से यहाँ पे बहुत सारा कर्षण है। कर्षण है कि मतलब बहुत सारा संघर्ष है दुनिया में जीवित रहने के लिए ही, क्योंकि ये भौतिक दुनिया माया का दुनिया बहुत क्रूर है। कोई ना कोई आप पे हानि पहुँचाने के लिए हमेशा तैयार रहता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। जिंदा रहने के लिए ही बहुत बड़ा एक संघर्ष है और इससे कोई बच नहीं सकता। आप जितना भी अमाउंट प्लानिंग कर लो, ये संघर्ष से कोई बच नहीं सकता। द लिविंग बींग्स हु हैव कम टू द मटीरियल वर्ल्ड अगेंस्ट द विल ऑफ द सुप्रीम बींग आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द सुप्रीम पावर कॉल्ड माया शक्ति।
the deputed agent of the Lord, and this Devi Maya is meant to pinch the conditioned soul with threefold miseries, one of which is explained here in this verse. The weak are the subsistence of the strong. तो जो जीव भगवान को भूल के ये भौतिक दुनिया में आए हैं तो माया देवी उनको बहुत सारा कष्ट देती है. जब प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पे पिंच, बहुत सारा दर्द देती है माया देवी इन सब लोगों को. जैसे हमने पिछले श्लोक में नारद मुनि बोल रहे हैं सर्पो ग्रस्तो यथा परम, जैसे काल का सर्प हर एक व्यक्ति को निगल देता है. तो आप जितना भी प्रयास करो बचने के लिए बच नहीं सकते परमानेंटली. तो इसलिए ये रूल है भौतिक दुनिया का, जीवो जीवस्य जीवनम, कोई तो हम पे हमको मार के वो जीवित रहता है, ऐसा ये दुनिया चलता रहता है. सो ये दुनिया में माया दर्द देती, मतलब कैसे दर्द देती है, द वीक आर द सबसिस्टेंस ऑफ द स्ट्रांग, जो कमज़ोर है, जो शक्तिशाली है ऐसे कमज़ोर व्यक्ति को निकाल लेता है. जैसे अभी मुकेश अंबानी का जियो, रिलायंस जियो, वो इतना शक्तिशाली हो गया, छोटे मोटे कंपनी को निगल लिया उसने पूरा, राइट. वोडाफोन, एयरटेल, ये सब धीरे धीरे गायब हो रहे हैं. क्यों? क्योंकि जो शक्तिशाली आता है वो निगल लेता है. तो ये भौतिक दुनिया का रूल है. नो वन इज स्ट्रांग इनफ टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द ऑनस्लॉट ऑफ अ स्ट्रॉन्गर, एंड बाय द विल ऑफ द लॉर्ड देयर इज सिस्टमैटिक कैटेगरीज ऑफ द वीक, द स्ट्रांग एंड द स्ट्रांगेस्ट. तो कोई भी शक्तिशाली नहीं है जो बोल सकता है अरे मुझे कोई हानि पहुंचा नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता. क्योंकि ये भौतिक दुनिया में आप जितने भी शक्तिशाली रहेंगे आपसे कोई शक्तिशाली व्यक्ति रहेगा, और वो शक्तिशाली व्यक्ति से और कोई शक्तिशाली व्यक्ति रहेगा. देर इज नथिंग टू बी लेमेंटेड इफ अ टाइगर ईट्स अ वीक एनिमल इंक्लूडिंग अ मैन, बिकॉज दैट इज द लॉ ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड. प्रभुपाद बोल रहे हैं अगर एक शेर ने एक जानवर को खा लिया, हिरण को, तो शोक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है. शेर शक्तिशाली है, वो जो कमज़ोर है प्राणी है उसको खाएगा ही, कि भौतिक दुनिया का नियम है. बट ऑल्सो द लॉ स्टेज दैट द ह्यूमन बीइंग मस्ट सब्सिस्ट ऑन अनदर लिविंग बीइंग, देयर इज द गुड सेंस ऑल्सो फॉर द ह्यूमन बीइंग इज मेंट टू ओबे द लॉज ऑफ द स्क्रिप्चर्स. तो हालांकि यहाँ पे वर्णन आ रहा है जीवो जीवस्य जीवनम का मतलब है कि एक जीव दूसरे जीव पे निर्भर रहता है, दूसरे जीव को खा के जिंदा रहता है. तो हालांकि ये मनुष्य के लिए भी लागू होता है, पर प्रॉपर लिख रहे हैं मनुष्य को अपना बुद्धि यूज करना चाहिए और उसको समझना चाहिए मुझे कौन सा चीज है उसको खाना है. कोई तो चीज पे मुझे निर्भर रहना है, राइट. जानवर पे निर्भर रहूं कि पौधों पे निर्भर रहूं, वो मनुष्य को चुनना है. द ह्यूमन बीइंग्स, दिस इज इम्पॉसिबल फॉर अदर एनिमल्स. द ह्यूमन बीइंग इज मेंट फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, एंड फॉर दैट पर्पज ही इज नॉट टू ईट एनीथिंग विच इज नॉट फर्स्ट ऑफर्ड टू द लॉर्ड. ठीक है, तो मनुष्य को क्या खाना चाहिए? जानवर खाना चाहिए कि पौधे फल खाने चाहिए? तो प्रॉपर दिख रहे हैं मनुष्य, क्योंकि ये मनुष्य योनि आत्म साक्षात्कार के लिए है, मनुष्य को क्या खाना चाहिए? जो भगवान को अर्पण होता है वही खाना चाहिए. द लॉर्ड एक्सेप्ट फ्रॉम हिज डिवोटीज ऑल काइंड ऑफ फूड प्रिपरेशन मेड ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, लीव्स एंड ग्रेन्स. तो भगवान क्या खाते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम. तो भगवान जो शाक है, शाकाहारी सब्जियां हैं, फल है, पत्ते हैं और धान्य है, उतना ही खाते हैं. फ्रूट्स, लीव्स एंड मिल्स इन डिफरेंट वराइटीज कैन बी ऑफर्ड टू द लॉर्ड, एंड आफ्टर द लॉर्ड एक्सेप्ट द फूडस्टफ द डिवोटी कैन पार्टेक ऑन द प्रसाद बाय विच ऑल सफरिंग इन द स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस विल बी ग्रेजुअली मिटिगेटेड. तो ऐसे जब शाकाहारी भोजन भगवान को लगता है और वो जब भक्त स्वीकार करता है तब क्या होता है? भगवान का प्रसाद, प्रसाद मतलब कृपा. तो भगवान का कृपा स्वीकार करने से जो ये भौतिक दुनिया में संघर्ष है जिसके बारे में नारद मुनि लिख रहे हैं जीवो जीवस्य जीवनम, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जिंदा रहने के लिए जो संघर्ष है वो धीरे धीरे मिटता है. दिस इज कन्फर्म्ड इन भगवद्गीता 9.26. इवन दोज हु आर अकस्टम टू ईट एनिमल्स कैन ऑफर फूड स्टफ नॉट टू द लॉर्ड डायरेक्टली बट टू एन एजेंट ऑफ द लॉर्ड अंडर सर्टन कंडीशन ऑफ रिलीजियस राइट्स. तो कोई बोलेगा नहीं मुझे मांस खाना ही है, मांस खाए बिना मैं रह नहीं सकता. तो प्रभु बोले ठीक है मांस खाओ, पर अर्पण करो. किसको? भगवान को नहीं, भगवान के जो प्रतिनिधि है काली है उनको अर्पण करो. और उसका भी एक विधि होता है 15 दिन में एक बार, हाँ वो अर्पण करो तो धीरे धीरे आपका शुद्धिकरण होगा.
Injunctions of the scriptures are meant not to encourage the eaters of animals, but to restrict them by regulative principles. तो जब ग्रंथों में ये सब उपदेश आता है कि काली को अर्पण करके खाओ, इसका ये मतलब नहीं है कि वो बोल रहा है कि आप खाओ. उसका मतलब है आप धीरे धीरे उसको रेगुलेट करो, कंट्रोल करो, ताकि धीरे धीरे आप उसको बंद कर सके. द लिविंग बींग इज द सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस फॉर अनदर स्ट्रॉन्गर लिविंग बींग्स. तो हर एक जीव दूसरे जीव के लिए खाना है या दूसरे जीव उस पर निर्भर रहते हैं. वन शुड बी वेरी एंग्शियस, नो वन शुड बी वेरी एंग्शियस फॉर हिज सब्सिस्टेंस इन एनी सर्कमस्टेंसेस, बिकॉज देयर आर लिविंग बींग्स एवरीवेयर एंड नो लिविंग बींग स्टार्व्स फॉर वॉन्ट ऑफ एनी फूड एट एनी प्लेस. तो हमको हमारे शरीर के मेंटेनेंस के लिए, रक्षण के लिए बहुत संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ने हर एक जीव को पालन करके रखा है. हर एक जीव कोशिश करता है क्या, बहुत संघर्ष करता है क्या? कौन सा जीव है जो नौकरी करता है, ड्यूटी 9 to 5, हर एक जीव को खाना मिलता रहता है. अब कितने सारे चींटियों को देखेंगे, कोई भी भूखा नहीं रहता. करोड़ों अरबों चींटियां हैं, कोई भूखा नहीं रहता. कितने सारे पंछी है, कितने सारे कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, सबको भगवान खाना देते हैं. तो इसलिए नारद मुनि युधिष्ठिर बोल रहे हैं, आप धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर का ज़्यादा चिंता मत करो, भगवान देख लेंगे उनका. इतने सारे पशुओं का देख रहे हैं, उन लोगों का भगवान क्यों नहीं देखेंगे? महाराज युधिष्ठिर इज एडवाइज बाय नारद नॉट टू वरी अबाउट हिज अंकल सफरिंग्स फॉर वॉन्ट ऑफ फूड, फॉर दे कुड लिव ऑन वेजिटेबल्स अवेलेबल इन द जंगल्स एज प्रसाद ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड एंड थस रियलाइज द पाथ ऑफ सेल्वेशन. तो इसलिए नारद मुनि युधिष्ठिर को बोल रहे हैं, आप अपने काकाओं के बारे में चिंता मत करो, उनको खाना कहाँ मिलेगा? अरे जंगल में है, जंगल में बहुत सारे फल उगते हैं, सब्जियां उगते हैं, तो वो प्रसाद के रूप में स्वीकार करेंगे. तो भी प्रसाद है, प्रसाद मतलब भगवान की कृपा. तो फल जब आता है वो भगवान का प्रसाद ही है, तो प्रसाद के रूप में स्वीकार करेंगे और अपना मोक्ष की ओर जाएंगे, उनकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. Exploitation of the weaker living being by the strongest is a natural law of existence, and there is always an attempt to devour the weak in different kingdoms or living beings. तो ये भौतिक दुनिया का रूल है, नियम है, कि जो शक्तिशाली है, जो कमजोर है, उस पर कब्जा करने का कोशिश करता है. ये भौतिक दुनिया का नियम है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता. There is no possibility of checking this tendency by any artificial means under material conditions. तो ये जो रूल है, इसको अपने भौतिक रूप से हम इसको रोक नहीं सकते. हमको लगेगा मैं शक्तिशाली बन जाऊंगा तो मुझसे श्रेष्ठ और कोई नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता. देवी देवता आपसे श्रेष्ठ हैं, आपको भी निगल लेंगे वो. It can be checked only by awakening the spiritual sense of the human being by the practice of spiritual regulations. तो ये संघर्ष से उठना है, भौतिक दुनिया के संघर्ष से, तो क्या करना पड़ेगा? हमको आध्यात्मिक रूप में आना पड़ेगा, आध्यात्मिक स्तर पे. जब आएंगे तब ये संघर्ष हम उठ जाएंगे. दुनिया में संघर्ष रहेगा, पर ये संघर्ष को से हम अफेक्टेड नहीं रहेंगे. जैसे कमल का वो पत्ता होता है, गंदे नाले में रहता है वो, गंदे जगह पे, पर वो अफेक्टेड नहीं होता, हमेशा वो साफ रहता है. The spiritual regulative principles, however, do not allow a man to slaughter weaker animals on one side and teach others peaceful coexistence. तो ये श्लोक का ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे, क्योंकि वर्णन आ रहे हैं जीवो जीवस्य जीवनम, इसका ये मतलब नहीं है कि मनुष्यों को जाके जो कमजोर प्राणियों हैं उसको मारना चाहिए. नहीं, उसका ये मतलब है, ये रूल है, इसलिए मनुष्य को अपना बुद्धि यूज करके शाकाहारी भोजन खाना चाहिए. उसमें भी थोड़ा बहुत हिंसा होता है, शाकाहारी भोजन में भी हिंसा होता है, पर वो थोड़ा हिंसा किए बिना आदमी जिंदा ही नहीं रह सकता. तो हिंसा करना ही है, तो कम से कम कैसे करना है उसके बारे में सोचना है. तो इसलिए अगर मनुष्य पशुओं को मारेंगे एक तरफ से, वहां पे खून खराबा करेंगे, वहां पे हिंसा करेंगे, और मनुष्य समाज में बोलेंगे कि मनुष्य समाज में अहिंसा होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा. If man does not allow the animals peaceful coexistence, how can he expect peaceful coexistence in human society? तो अगर मनुष्य पशुओं को मारता रहता है, उनके साथ साथ में नहीं रह सकता, तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ शांति से कैसा रहेगा? संभव ही नहीं. जब चैतन्य महाप्रभु
जगन्नाथपुरी से वृंदावन की ओर जा रहे थे, तो वो झारखंड जंगल को क्रॉस करते हैं। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि भगवान है, वो जब कीर्तन करते हैं, हिरण और शेर साथ में आके कीर्तन करते हैं, एक दूसरे को आलिंगन देते हैं, एक दूसरे को चुम्मा देते हैं, राइट। तो चैतन्य प्रभुपाद उसके तात्पर्य में लिखते हैं चैतन्य चरितामृत में, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इतने शक्तिशाली थे, जो हिरण और शेर है कभी दोस्त नहीं बनते, ऐसे प्राणी भी दोस्त बन गए। तो एटलीस्ट हमको हमारा कर्तव्य है द सुप्रीम बीइंग एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट द किंगडम ऑफ गॉड। तो इसलिए अगर नेताओं को राम राज्य चाहिए, ये दुनिया में शांति चाहिए, तो भगवान के जो नियम है उसको पालन करना पड़ेगा। द किंगडम ऑफ गॉड और राम राज्य इज इम्पॉसिबल विदाउट द अवेकनिंग ऑफ गॉड कॉन्शियसनेस इन द मास माइंड ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। तो ये दुनिया में राम राज्य तब तक नहीं हो सकता जब तक बहुत सारे लोगों के मन में राम का जन्म नहीं होता। जब उनके चेतना में गॉड कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस या राम कॉन्शियसनेस, जब हम भगवान के बारे में चिंतन करेंगे, तब धीरे धीरे ये पूरे दुनिया में राम राज्य रहेगा। तो ये श्लोक बोलते हुए नारद मुनि युधिष्ठिर को बोलते हैं, आपको धृतराष्ट्र और विदुर और गांधारी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान उनकी रक्षा करेंगे। टेक्स्ट 48। तत् इदं भगवान् राजन्, एका आत्मात्मना स्वदृक्, अंतरो नंतरो भाति, पश्यतं मायोयोरुदा। ट्रांसलेशन: देयरफॉर ओ किंग, यू शुड लुक टू द सुप्रीम लॉर्ड ओनली, हुज वन विदाउट द सेकेंड and who manifests himself in different energies in both within and without. तो इसलिए नारद मुनि का कंक्लूजन है, निष्कर्ष है कि हे राजन, इसलिए आपको भगवान कृष्ण की तरफ ही देखना है, जो वन विदाउट अ सेकेंड, उनका कोई और दूसरा नहीं है उनके समान, और भगवान अपने शक्तियों से हमारे अंदर और बाहर हर चीज का पालन कर रहे हैं। परपोट: The Supreme Lord, Personality of Godhead, is one without a second, but He manifests Himself in different energies because He is by nature blissful. तो भगवान एक है, दो नहीं है, भगवान एक ही है, फिर भी भगवान जो एक व्यक्ति है, एको बहुना नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामा। तो एक नित्य है, वो अनेक सारे शक्तियों में अपने आप को विस्तारित करते हैं, क्योंकि भगवान के अंदर आनंद पाने की जो इच्छा है उसके वजह से विस्तारित करते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि व्यक्ति शादी क्यों करता है, परिवार क्यों बनाता है, अकेला ही रह सकता है, क्योंकि अकेले रहने में आनंद नहीं है, जब लोग साथ में रहेंगे उसमें आनंद होता है। तो भगवान एक ही है, फिर भी वो बहुत सारे शक्तियों में अपने आप को विस्तारित करते हैं ताकि आनंद का आदान प्रदान हो। द लिविंग बीइंग्स आर ऑल्सो मैनिफेस्टेशन ऑफ हिज मार्जिनल एनर्जीज क्वालिटेटिवली वन विद द लॉर्ड एंड देर आर इनमरेबल लिविंग बीइंग्स बोथ विद इन एंड विदाउट द एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनर्जीज ऑफ द लॉर्ड। तो जो जीव है वो भी भगवान की शक्ति है, तटस्थ शक्ति है, और ये जो जीव है भगवान से गुण के रूप में एक है, मात्रा में अलग है पर गुण में एक ही है। तो भगवान इतने सारे जीवों में अपने आप को विस्तारित करते हैं, जो ये भौतिक दुनिया में है, आध्यात्मिक दुनिया में है, ताकि भगवान हमारे साथ आदान प्रदान कर सकें। सिंस द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द लॉर्ड्स इंटरनल एनर्जी द लिविंग बींग्स विद इन दैट इंटरनल पोटेंसी आर क्वालिटेटिवली वन विद द लॉर्ड विदाउट कंटामिनेशन फ्रॉम द एक्सटर्नल पोटेंसी। जो जीव भगवान के धाम में है वो पूरे तरह से शुद्ध है, उनके अंदर भौतिक गुण बिल्कुल नहीं है। ऑल्टो क्वालिटेटिवली वन विद द लॉर्ड द लिविंग बींग ड्यू टू कंटेमिनेशन ऑफ द मटीरियल वर्ल्ड इज परवर्टली मैनिफेस्टेड एंड देयर फोर ही एक्सपीरियंसेस सो कॉल्ड हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस इन द मटीरियल वर्ल्ड। तो जो जीव भगवान के धाम में है वो भी भगवान के गुण में एक ही है, पर क्योंकि उनके अंदर भौतिक पदार्थ, भौतिक मिश्रण नहीं है, अनर्थ नहीं है,
इसलिए वो भगवान के साथ पूरे तरह से आनंद में रह सकते हैं। पर हम सब जो ये भौतिक दुनिया में है, हम सब भी भगवान के अंश हैं, पर क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे कलमश आ गए हैं, भौतिक कलमश, तो इसलिए हमेशा हम खुश नहीं रह पाते, कभी खुश कभी दुखी रहते हैं। ड्यूअलिटी, द्वंद का ये दुनिया है। सच एक्सपीरियंसेस आर ऑल एफेमरल एंड डू नॉट अफेक्ट द स्पिरिट सोल। तो इसलिए ये जो द्वंद है ये दुनिया में, सुख और दुख, एक्चुअली ये शरीर और मन को ही छूता है, अहंकार को छूता है, आत्मा को छूता नहीं है। आत्मा ये सुख और दुख से परे रहता है। द परसेप्शन ऑफ सच एफेमरल हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस इज ड्यू टू ओनली द फॉरगेटफुलनेस ऑफ हिज क्वालिटीज विच आर इक्वल टू द लॉर्ड्स। तो ये दुनिया में हमको सुख और दुख अनुभूति क्यों होता है, क्योंकि हम भूल गए हैं कि हम भगवान के नित्य दास हैं, हम आत्मा हैं भूल गए हैं, इसलिए शरीर के रूप में और मन के स्तर पे हमको सुख और दुख की अनुभूति होती है। देर इज हाउएवर अ रेगुलर करंट फ्रॉम द लॉर्ड हिमसेल्फ फ्रॉम विद इन एंड विदाउट बाई विच टू रेक्टिफाई द फॉलन कंडीशन ऑफ द लिविंग बींग। तो हालांकि हम भगवान को छोड़ के भौतिक दुनिया में आए हैं और ये द्वंद के दुनिया में फंस गए हैं, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, पर भगवान हमको अंदर से परमात्मा के रूप में और बाहर से शास्त्रों के रूप में, वैष्णव के रूप में, गुरु के रूप में आके हमको संदेश देते रहते हैं कैसे हमको भगवत धाम जाना चाहिए। फ्रॉम विद इन ही करेक्ट्स द डिजायरिंग लिविंग बींग्स एज लोकलाइज्ड परमात्मा एंड फ्रॉम विदाउट ही करेक्ट्स बाय हिज मैनिफेस्टेशन द स्पिरिचुअल मास्टर एंड द रिवील्ड स्क्रिप्चर्स। अंदर से भगवान परमात्मा के रूप में जीवों की गलती को सुधारने का प्रयास करते हैं, सही दिशा दिखाते हैं, और बाहर से शास्त्र के रूप में और गुरु के रूप में भगवान हमको मार्गदर्शन देते हैं। वन शुड लुक अनटू द लॉर्ड। तो यहाँ पे नारद मुनि युधिष्ठिर को बोल रहे हैं, तद इदम भगवान राजन एक आत्मात्मानम स्वदृक। बोल रहे हैं युधिष्ठिर, आप सिर्फ भगवान के तरफ देखो, मतलब ये दुनिया में हमको मार्गदर्शन चाहिए तो हमको इधर उधर नहीं देखना है, हमको भगवान की तरफ देखना है। भगवान की तरफ मतलब परमात्मा की तरफ, शास्त्रों के तरफ और वैष्णवों की तरफ। वन शुड लुक अनटू द लॉर्ड, वन शुड नॉट बी डिस्टर्ब बाय द सो कॉल्ड मैनिफेस्टेशंस ऑफ हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस बट यू शुड ट्राई टू कोऑपरेट विद द लॉर्ड इन हिज आउटवर्ड एक्टिविटीज फॉर करेक्टिंग द फॉलन सोल्स। तो इसलिए हमको हमारे सुख या दुख की तरफ नहीं देखना है, हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, भगवान को देखना है। इसलिए शास्त्र पढ़ना चाहिए, नित्यम भागवत सेवया। तो हमेशा भागवत का सेवा करते रहेंगे, जो वैष्णव भागवत है, व्यक्ति भागवत है या पुस्तक भागवत है, तब हम धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। बाय हिज ऑर्डर ओनली वन शुड बिकम अ स्पिरिचुअल मास्टर एंड कोऑपरेट विद द लॉर्ड। तो भगवान का इच्छा है ऐसे शास्त्र पढ़ते हुए, वैष्णवों का मार्गदर्शन देते हुए हम भी गुरु बने और दूसरे जो जीव हैं उनको मार्गदर्शन दे। वन शुड नॉट बिकम अ स्पिरिचुअल मास्टर फॉर वन ओन पर्सनल बेनिफिट फॉर सम मटीरियल गेन और एज एन एवेन्यू ऑफ बिजनेस और ऑक्यूपेशन फॉर अर्निंग लाइवलीहुड। तो गुरु किसको बनना चाहिए, धंधा करने के लिए नहीं, अपना पेट पालन करने के लिए गुरु नहीं बनना चाहिए, बल्कि लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए, भगवान के साथ जोड़ने के लिए। Bonafide spiritual masters look unto the supreme lord to cooperate with him are actually qualitatively one with the lord and the forgetful ones are perverted reflections only। इसलिए जो जीव हैं, जो गुरु बनते हैं, भगवान के पच्चीनों पर चलते हैं और दूसरों को मार्गदर्शन देते हैं, वो सही में भगवान में एक हो गए हैं या भगवान के इच्छा के साथ एक हो गए हैं। पर जो जीव भगवान को भूल जाते हैं वो भगवान से पूरे तरह से विभिन्न बहिर्मुख हो जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज इज एडवाइस बाय नारद, देयरफॉर नॉट टू बी डिस्टर्ब बाय द अफेयर्स ऑफ सो कॉल्ड हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस बट टू लुक ओनली अनटू द लॉर्ड टू एग्जीक्यूट द मिशन फॉर विच द लॉर्ड हैज डिसेंडेड, दैट वॉज हिज प्राइम ड्यूटी। इसलिए नारद मुनि युधिष्ठिर को बोल रहे हैं, ये सुख और दुख में आप विचलित न हो जाओ, हाँ, क्योंकि ये सब चलता रहेगा। आपको क्या करना है, आपका जो लक्ष्य है भगवान पे और भगवान का जो आदेश है आपके लिए, आपके लिए क्या आदेश है, राज्य करना है, हाँ, भगवान के ऑन बिहाफ ऑफ कृष्णा, भगवान का प्रतिनिधि बन के आपको राज्य करना है। तो ये करेंगे आपका जिंदगी सफल हो जाएगा।
इसलिए दारण मुनि युधिष्ठिर को बोल रहे हैं सुख और दुख से विचलित न हो जाओ, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख द आगम अपायनो अनित्यस ताम तितिक्षस भारत। हमारा फोकस हमारे लक्ष्य पे होना चाहिए, वो लक्ष्य पे फोकस रहेंगे तो ये जो जिंदगी में सुख और दुख आते हैं, हम किसी लोग से मिलते हैं, कोई हमारी जिंदगी से निकल जाता है, उस पर हम ज़्यादा विलाप नहीं करेंगे, हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे। तो हम टेक्स्ट 49 से आज शाम को देखेंगे।